हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप एच डब्ल्यू एस फॉर्चून में कैसे अपना विड्रॉल लगा सकते हैं कैसे आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट डालनी है आपको पूरा यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ तो सबसे पहले आपको विड्रॉल लगाने के लिए आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के अपना डैशबोर्ड ओपन कर लेना रहता है तो सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे क्रोम ब्राउज़र में आप एच डब्ल्यू एस फॉर्चून डॉट कॉम डाल के वेबसाइट ओपन कर लेंगे अब आपको वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको जिस भी आई का विड्रॉल रिक्वेस्ट डालना है क्योंकि आपको पता है कि एच डब्ल्यू एस में संडे क्लोजिंग होती है और मंडे को आपका टिल फाइव पी एम तक आपके अकाउंट में जो भी आपकी इनकम बनी होती है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है बट अगर आप विड्रॉल नहीं लगाओगे तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगी ठीक है तो कैसे लगाना है वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ तो जिस भी आईडी का आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं उसी आई का आप यहाँ पर लॉग इन ID और पासवर्ड डालेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको एक लाइव विड्रॉल लगा के दिखाने वाली हूँ ठीक है तो आप यहाँ पर सबसे पहले लॉग इन आई और पासवर्ड डाल लेंगे जिस भी आप आईडी का लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ ठीक है जैसे कि ये आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाला आपने लॉग इन कर लिया अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे आपको वॉलेट इनकम वॉलेट दिख रही होगी आप यहाँ पर चेक करेंगे जो इनकम वॉलेट और एक होती है वाइनरी इनकम तो आपको इनकम वॉलेट वो इनकम होती है जो एक्चुअल आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी राइट right? क्योंकि आपको पता है कि पंद्रह परसेंट कट के आता है तो पंद्रह परसेंट आपकी बाइनरी इनकम का कटने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट बनता है वो आपका इनकम वॉलेट कहलाता है तो आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट डालना है विड्रॉल रिक्वेस्ट डालने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपकी के अप्रूव्ड है अगर आपकी के अप्रूव्ड है तभी आप विड्रॉल डा, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और दूसरा अगर आपकी के वाई सी है तो जो आपकी वॉलेट इनकम है ठीक है मिनिमम आपकी फाइव हंड्रेड होना चाहिए जो आपकी इनकम वॉलेट है वो यहाँ पर जो अमाउंट है वो पाँच सौ होना चाहिए तभी आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं अगर इससे कम होगा तो आप विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकम वॉलेट का जो अमाउंट है वो फाइव से ज़्यादा है तो इसका मतलब आप डाल सकते हो तो अब आपको कैसे डालना है आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हो कि एक तरफ लिखा रहा है एक्टिव और दूसरी तरफ लिखा रहा है विड्रॉल तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है विड्रॉल पे क्लिक करोगे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास एक फॉर्म ओपन होके आ जाता है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो कि अमाउंट जो अमाउंट इनकम वॉलेट में शो हो रहा था वही अमाउंट एग्जैक्टली यहाँ पर आपका शो हो रहा है ठीक है तो आप चाहो पूरा का पूरा अमाउंट भी विड्रॉल कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इसमें से कम भी कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना यहाँ से विड्रॉल करना चाहते हो तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से पूरा का पूरा विड्रॉल लगाना चाहती हूँ तो एग्जैक्ट जो अमाउंट नीचे लिखा है वही अमाउंट हमें यहाँ पर फिल कर देना है तो मैं यहाँ पर फिल कर लेती हूँ अब ये मैंने फिल कर लिया ठीक है यानी मैं पूरा का पूरा जो भी इनकम बनी हुई है पूरी की पूरी यहाँ पे आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप अमाउंट भर लोगे उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है सिलेक्ट वॉलेट तो यहाँ पे सिलेक्ट वॉलेट आपका एक ही है तो आपको यही वाला इनकम वॉलेट वाला ही रह देना है उसके बाद सिंपल सा आपको विड अमाउंट पर क्लिक कर देना है जैसे आप विड्रॉल अमाउंट पर क्लिक करोगे आप ये देखो मैसेज आपके पास आ गया है योर विडड्रॉल हैज़ बीन डन सक्सेसफुली योर पे आउट विल बी ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट टिल थ्री पी है ना जो कि मैंने अभी बताया तीन से पाँच तक जो मंडे होता है हमारा उस दिन ये आ जाता है आपकी विड्रॉल रिक्वेस्ट डल चुकी है आप इसको ओके कर देंगे ठीक है अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है वापस से आप यहाँ बैक जा सकते हो आप इस तरीके से बैक आ जाओगे आपकी विड्रॉल रिक्वेस्ट डलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इनकम वॉलेट जो आपकी है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाती है अगर मान लीजिए आपका अमाउंट हज़ार रुपये बना है या बारह सौ बना है अगर आप उसमें से हज़ार निकालते हो और बाकी के दो सौ बच गए तो वो यहाँ पर अमाउंट सो हो जाता है बट मैंने अभी पूरा का पूरा जितना भी मेरी इनकम बनी थी वो पूरी पूरी विड्रॉल किया इसलिए यहाँ पर ज़ीरो हो गया है ठीक है तो थैंक यू सो मच आई होप आपको क्लियर हो गया होगा